नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कोल के बारे में फ्रेंड्स, कितने तरीके के कोल होते हैं पूरी दुनिया में और ये जो कोल है ये आपका बनता कैसे। तो इन दोनों प्रोसेस के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा फ्रेंड्स, पूरी डिटेल बताऊंगा आपको इनके बारे में, इनकी अवेलेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, इनका जो प्रोसीजर है फॉर्मेशन का कोल का वो कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा फ्रेंड्स। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये वीडियो हिंदी में है फ्रेंड्स, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आगे चलते हैं। तो देखिए, चार तरीके के नॉर्मली कोल मिलते हैं हमको। सबसे पहला है आपका एंथ्रासाइट, सबसे हाई क्वालिटी कोल है। उसके बाद बिटुमिनस आता है, बिटुमिनस और लिग्नाइट के बीच में एक सेमी बिटुमिनस भी आता है, सब बिटुमिनस भी बोलते हैं उसको। फिर लिग्नाइट आता है और फिर आखिरी में आता है आपका पीट। पीट सबसे खराब क्वालिटी का होता है, कुछ लोग तो पीट को कोल मानते ही नहीं है। ठीक है, तो इतने तरीके के कोल मिलते हैं इंडिया में। चारों तरीके के कोल मिल जाते हैं पर बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, ज्यादातर कोल इंडिया का बिटुमिनस है। इस फिगर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला फिगर आपका पीट को दिखा रहा है। आप इस फिगर को बहुत अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं कि पूरी गंद भरी हुई है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर अभी पूरी तरीके से कंप्रेस नहीं हुआ है, प्रेशर इस पर पड़ रहा है, ये काफी हद तक ऑर्गेनिक फॉर्म इसमें बचा हुआ है, पूरी तरीके से कंप्रेस होके कोल अभी नहीं बना है। पीट के बाद थोड़ी सी और इम्प्रूव्ड क्वालिटी कोल की होती है लिग्नाइट। लिग्नाइट में काफी हद तक कंप्रेशन हो चुका है। उसके बाद लिग्नाइट और बिटुमिनस के बीच में एक रेंज आती है आपकी सब बिटुमिनस की। ठीक है, सब बिटुमिनस के बाद थोड़ा और समय बीत जाता है तो बिटुमिनस, और बिटुमिनस के बाद थोड़ा और समय बीत गया तो एंथ्रासाइट। और ये जो थोड़ा और समय मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ना फ्रेंड्स, वो यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर के फॉर्म में है। यानी कि पीट से मिग्नाइट बनने में मिलियंस ऑफ ईयर, फिर लिग्नाइट से सेमी बिटुमिनस, सेमी बिटुमिनस से बिटुमिनस बनने में मिलियंस ऑफ ईयर, और फिर आपका बिटुमिनस से एंथ्रासाइट बनने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। यानी इंडिया में जो हमको ज्यादातर कोल बिटुमिनस कोल मिलता है, अगर ये कोल को अगर हम अभी कुछ और मिलियन ईयर्स के लिए रख दें तो ये अपने आप को एंथ्रासाइट कोल में बदल लेगा, लेकिन हम इतना इंतजार कर नहीं सकते और एंथ्रासाइट कोल हमारे पास ना के बराबर है। फिर हम बात करेंगे कोल की फ्रेंड्स। ठीक है, कोल बेसिकली है क्या। कोल को आप ब्लैक गोल्ड भी बोलते हो, सेडिमेंट्री स्ट्राटा में मिलता है। सेडिमेंट्री स्ट्राटा मतलब लेयर्स ऑफ सॉइल में ये आपको मिलेगा। सेडिमेंट्री स्ट्राटा का मतलब ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि आपकी चीज कंप्रेस हो रखी है उसके ऊपर। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं आपको अच्छी तरीके समझा चुका हूं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है ज्योग्राफी में, आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आप अच्छी तरीके समझ जाएंगे कि बेसिकली सेडिमेंट्री स्ट्राटा होता क्या है। तो अब ये जो कोल जो कि हमारा ब्लैक गोल्ड है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपका कार्बन मिलेगा आपको, इसमें बहुत सारा वोलेटाइल मैटर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, पानी का कंटेंट आपको बहुत मिलेगा और आपको इसमें ऐश मिलेगी। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल भी इसमें बहुत मिलता है, कार्बन भी इसमें बहुत मिलता है, पानी भी मिलता है, वोलेटाइल मैटर्स भी मिलता है, सल्फर मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब कोल की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसमें कितना ज्यादा कार्बन है और कितना कम बाकी मटेरियल्स है। नॉर्मली देखा जाए तो जो कोल का प्रयोग होगा वो पावर जनरेशन में होगा। आपको पता है फ्रेंड्स, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं तो मैक्सिमम कर थर्मल पावर प्लांट्स आपके कोल के दम पे ही चलते हैं। और मेटलर्जी मतलब मेटलर्जिकल साइंस, यानी कि किसी और चीज से एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग में, एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में बहुत सारी कोल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो वहां पे आप मेटलर्जी में कि आप मेटलर्जिकल कोल से पहले फिर आप कोकिंग कोल बनाते हो, फिर उस कोकिंग कोल को किसी और एलिमेंट या मिनरल के एक्सट्रैक्शन में यूज करते हो। तो मेटलर्जी में भी कोल का काफी इस्तेमाल होता है। और जो कोल के रिजर्व होते हैं वो आपके ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व से बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कोल ऑयल और पेट्रोलियम से बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब यहां पे एक सवाल आता है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में अगर आप बात करोगे तो यहां पे ऑक्सीजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन देख लेते हैं, मॉइस्चर कंटेंट देख लेते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि अब कोल की अगर आप बात करो तो आप उसमें पीट की बात कर लो, चाहे आप लिग्नाइट की बात कर लो, बिटुमिनस की बात कर लो, एंथ्रासाइट की बात कर लो, उसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो सकता है। अब जैसे जैसे आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मॉइस्चर कंटेंट का प्रोपोर्शन घटता जाएगा, वैसे वैसे आपका कार्बन बढ़ता जाएगा। और यहां पे आप देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मॉइस्चर कंटेंट का प्रोपोर्शन और कार्बन का प्रोपोर्शन। यानी कि देखिए,
कार्बन उतना ही रहने वाला है कोल में, लेकिन जब आप उस कोल से ऑक्सीजन निकालते जाओगे, नाइट्रोजन निकालते जाओगे, मॉइस्चर कंटेंट को निकालते जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो बची हुई चीज है उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, और जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट, जितना कम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मॉइस्चर कंटेंट, उतनी अच्छी कोल की क्वालिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रियल में कार्बन की क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, रियल में कार्बन का केवल प्रपोर्शन बढ़ रहा है और बाकी एलिमेंट्स का लॉस हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे कोल आपका पीट के फॉर्म से लिग्नाइट में जाएगा, लिग्नाइट से सब बिटुमिनस में जाएगा, सब बिटुमिनस से बिटुमिनस में जाएगा, और बिटुमिनस से एंथ्रासाइट में जाएगा, तो जो कार्बन का प्रपोर्शन है वो बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मॉइस्चर कंटेंट एब्सोल्यूट प्रपोर्शन में कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पुराना कोल होगा उतना अच्छा उसका कार्बन कंटेंट होगा, उतनी अच्छी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी वो देगा, उतना ज्यादा वो एफिशिएंट होगा। तो यानी कि एक कोल कितना एफिशिएंट है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें कार्बन कंटेंट का परसेंटेज कितना है, और कार्बन कंटेंट का परसेंटेज किस बात पे डिपेंड करेगा कि भैया हीट की और प्रेशर की इंटेंसिटी वुड पे कितनी है। ठीक है, यानी कि कितनी देर के लिए वो दबा हुआ मटेरियल हीट को झेल रहा है, प्रेशर को झेल रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि प्लांट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स कैसे हुआ, तो आप ये लाइन को समझ जाएंगे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोल डिपॉजिट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन वुड। ये जो सेंटेंस है ये आपको अभी अगली स्लाइड में समझ में आ जाएगा। एक बात और, कार्बन कंटेंट आपका इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या है, यानी कितनी गहराई पे कोल है, जितनी ज्यादा गहराई पे होगा उसके ऊपर उतनी ज्यादा लेयर्स होंगी, उसके ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर और हीट एनर्जी पड़ी होगी, उसमें उतना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा और बाकी कंटेंट कम होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हम लोग कोल का फॉर्मेशन एक बार देखते हैं। फ्रेंड्स, तो क्या हुआ कि जब कोल बनना शुरू हुआ ना मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, तो पहले क्या था कि अर्थ पे बहुत सारे आपके ह्यूज स्वैम्पी फॉरेस्ट थे। स्वैम्पी मतलब एक तरीके से दलदल, यानी पानी का मिक्सचर है, सॉल्टी पानी का मिक्सचर है, स्वैम्पी फॉरेस्ट है। दलदल के बीच में फॉरेस्ट उग रहे हैं, फर्न्स उग रहे हैं, रीड्स उग रहे हैं, ठीक है, मॉसेस उग रहे हैं। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये फर्न्स, रीड्स, मॉसेस खत्म हुए तो वो इन स्वैम्पी वाटर्स में गिर गए और मर गए, मर के वो धीरे धीरे रॉट होने लगे। ठीक है, फिर और प्लांट्स उगे, और प्लांट्स मरे, और प्लांट्स इन स्वैम्पी वाटर्स में गिरे, डाई किए और रॉट होने लगे। धीरे 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 ये जो डेड प्लांट्स की जो थिक लेयर थी जो कि रॉट हो रहे थे स्वैम में, ये बढ़ती जा रही, मोटी होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। उसके साथ साथ जो अर्थ की सरफेस है ना फ्रेंड्स, वो भी चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो अर्थ की सरफेस पे वाटर भी आ रहा है, डर्ट भी आ रहा है, जिसके चलते वो जो डिकेइंग प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा रुक गया है। उस डिकेइंग प्रोसेस के ऊपर और एक लेयर, जैसे मान लीजिए नीचे ऑर्गेनिक मटेरियल आया था, उसके ऊपर और ऑर्गेनिक मटेरियल, और ऑर्गेनिक मटेरियल, फिर एक डर्ट की पानी की लेयर आ गई, फिर और ऑर्गेनिक मटेरियल, और ऑर्गेनिक मटेरियल, तो इसके ऊपर से बढ़ता ही चला जाएगा, इसके ऊपर लेयर दर लेयर चलती चली जाएंगी। ठीक है ना, तो ये जो सबसे नीचे होगा ना इसके ऊपर सबसे ज्यादा हीट और इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी आपकी अलग अलग यहां लेयर्स आप देख रहे हैं बलती चली जा रही है ऑर्गेनिक मैटर की, जो नीचे दब गया है प्रेशर में। ठीक है, फिर भैया दबने के मिलियंस ऑफ इयर्स बाद बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, वो नीचे इतना जबरदस्त प्रेशर डालेंगी ना प्लांट मैटर में कि वो प्लांट मैटर बहुत तेजी से डीके होगा, और फिर वो जो प्रेशर पड़ेगा, वो जो हीट पड़ेगी, वो उस प्लांट मैटर में इररिवर्सिबल केमिकल और फिजिकल चेंजेस को लेके आएंगे, जिसके चलते उसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब धीरे 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 निकलने लगेंगे और कार्बन में वो रिच होने लगेगा और फाइनली जाके वो कोल में बदल जाएगा। ये डिपेंडेंट करेगा कि भाई जो अगर कम टाइम बीता है तो वो क्या बनेगा, कम टाइम में वो बनेगा लिग्नाइट। ठीक है ना, पीट बनेगा कम टाइम में सबसे, फिर लिग्नाइट बनेगा, फिर बिटुमिनस बनेगा और फिर एंथ्रासाइट बनेगा, क्योंकि एंथ्रासाइट में बहुत सारा टाइम निकल चुका होगा, तो एंथ्रासाइट में सल्फर फास्फोरस कंटेंट कम होगा, नाइट्रोजन कंटेंट कम होगा, मॉइस्चर कम होगा, कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, तो एंथ्रासाइट लिमिट है एफिशिएंसी की, उससे पहले वाले ऑब्वियस ही बात है आप हिसाब लगा सकते हैं। पीट में सबसे कम कार्बन कंटेंट होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा लिग्नाइट में, उससे थोड़ा ज्यादा बिटुमिनस में, और सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा आपका एंथ्रासाइट में। तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 100 से 400 मिलियन ईयर्स पहले क्या था कि भैया
ये जो आपके प्लांट्स थे ये मर के इस स्वैम्पी वाटर में जमा होते गए होते गए होते गए, अब उसके बाद यहाँ पे उनके ऊपर लेयर बनती जा रही है बनती जा रही है बनती जा रही है बनती जा रही है, और फाइनली अब एलिवेशन यहां तक पहुंच गया, तो ये जो नीचे था ना पूरा का पूरा कोल में बदल चुका है। तो यहीं पर ये जो प्लांट्स थे यहाँ पे वो अब यहाँ पे कोल में बदल चुके हैं, और उस कोल को आप माइन करोगे, जो सबसे डेप्थ पे कोल होगा उसकी सबसे ज्यादा क्वालिटी होगी, उसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उस पर बहुत जबरदस्त हीट और प्रेशर पड़ा है, उसको सबसे ज्यादा टाइम मिला है फिजिकल और केमिकल चेंजेस को करने के लिए, इसलिए उस कोल की क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी होगी। अब हम यहाँ पे चार पांच तरीके के कोल की बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पीरियड के हिसाब से कोल फॉर्मेशन की। तो जो सबसे अच्छा कोल होता है वो होता है आपका कार्बोनिफेरस कोल। देखिए कार्बोनिफेरस जो एज थी वो लगभग आपकी 358.9 मिलियन ईयर्स अगो से 298.9 मिलियन ईयर्स अगो तक की थी, यानी जो कार्बोनिफेरस एज थी वो 60 मिलियन ईयर्स की थी टोटली। तो इस वाले एज के दौरान जो कोल बना है ना फ्रेंड्स, वो आप कह सकते हो कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल अवेलेबल है। 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये बना था, और इसी को आप कह सकते हो कि कार्बोनिफेरस, इसका नाम ही एक्चुअली कोल बियरिंग स्ट्राटा है, क्योंकि इसमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल मिलता है इस कार्बोनिफेरस कोल में। हमारे पास जो कोल है वो कार्बोनिफेरस नहीं है फ्रेंड्स, हमारे पास ना गोंडवाना का कोल है, हमारे पास गोंडवाना एज का कोल है, हमारे पास टर्शियरी एज का कोल है। कार्बोनिफेरस एज का कोल हमारे पास बहुत कम है, ना के बराबर। तो इस कार्बोनिफेरस एज में जो कोल बना था लगभग 358.9 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 298.9 मिलियन ईयर्स अगो तक के ड्यूरेशन में वो सबसे बेहतरीन कोल है इस पूरी दुनिया में। अब हम बात कर देते हैं धीरे धीरे लोवेस्ट क्वालिटी से हाईएस्ट क्वालिटी तक जाएंगे, और हम देखेंगे कोल किस तरीके। तो पीट की पहले बात करेंगे। तो पीट पहला स्टेप है फ्रेंड्स आपका कोल फॉर्मेशन में। इसमें लगभग 60% ऑर्गेनिक मैटर होता है, फंस और वेजिटेशन से बना हुआ होता है, जो स्वैम्स और बॉक्स में गिर गई थी आपको पता ही है फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारा पानी होता है, ठीक है ना, जो इसके हीट कंटेंट को कम कर देता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल को कम कर देता। तो पीट की यही खास बात है कि ऑर्गेनिक मैटर्स में 60% है, पानी बहुत ज्यादा है, हीट कंटेंट लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। तो इसको सॉफ्ट ब्राउन कोल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप यहां पे देखिए फ्रेंड्स, धीरे 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 जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो ये जो पीट है ना ये धीरे धीरे अपने आप को अगली स्टेज में लेके जाएगा, जो कि है लिग्नाइट। लिग्नाइट एक सॉफ्ट ब्राउन कोल है जिसमें बहुत ज्यादा वाटर पाया जाता है। तो जो लिग्नाइट का जो कंटेंट हीट कंटेंट है ना वो आपके पीट के हीट कंटेंट से ज्यादा होगा, और ज्यादातर जो कोल रिजर्व है पूरी दुनिया में उनको लिग्नाइट ही बोला जाता है। तो लिग्नाइट को एक तरीके से आप ब्राउन कोल बोलते हैं, सॉफ्ट ब्राउन कंबस्टिबल सेडिमेंटरी रॉक से बना हुआ होता है ये, ठीक है। तो पीट को और आप दबा रहन दीजिए कुछ मिलियन ईयर्स तक, तो वो अपने आप को लिग्नाइट में बदल देगा, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। इसमें भी जो हीट कंटेंट है कम होता है, और कार्बन कंटेंट इसका लगभग 60-70% होता है। दुनिया भर में लिग्नाइट पाया जाता है, और इसको स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कोल है ये बहुत ज्यादा एमिशंस करता है, तो हेल्थ के लिए खासकर ये हार्मफुल है, बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इससे एमिशन होता है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि लिग्नाइट की जो क्वालिटी है वो आपकी पीट से तो अच्छी है पर बिटुमिनस से काफी कम है। आगे चलते हैं, हम बिटुमिनस कोल की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पीट से बेहतर हुआ आपका लिग्नाइट, और लिग्नाइट से बेटर हुआ बिटुमिनस। तो बिटुमिनस कोल कब बनता है कि आप लिग्नाइट कोल पे और जबरदस्त प्रेशर डालें तो आपका बन जाएगा बिटुमिनस कोल। तो जितना ज्यादा देखिए, पीट पे और प्रेशर पड़ा तो बन गया लिग्नाइट, और प्रेशर पड़ा और हीट पड़ी बना लिग्नाइट, लिग्नाइट पे और प्रेशर और हीट पड़ी तो बना बिटुमिनस, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जितना ज्यादा आप प्रेशर डालते जाएंगे इस पे, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, उसकी हीट क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। तो हम अब कहां पे पहुंच गए, हम अब पहुंच गए फ्रेंड्स बिटुमिनस कोल पे। इसमें 40-80% बिटुमिनस कोल में 40-80% कार्बन कंटेंट इसमें पाया जाता है। मॉइस्चर और जो मॉइस्चर वाला जो कंटेंट है, जो वोलेटाइल कंटेंट है, वो इसमें लगभग 15-40% पाया जाता है। ब्लैक कलर का होता है, बहुत डेंस होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी खासी होती है, पीट और लिग्नाइट से बहुत ज्यादा होती है, हाँ एंथ्रासाइट से काफी कम होती है। इसका प्योर कार्बन कंटेंट जैसा कि मैंने आपको बताया पीट और लिग्नाइट से ज्यादा है, हीट कंटेंट इस कोल का ज्यादा है। तो इस बिटुमिनस कोल को देखिए, लिग्नाइट और बिटुमिनस के बीच में एक
कैटेगरी आती है जिसको आप बोलते हैं सब बिटुमिनस। तो ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सब बिटुमिनस आपका, आप कह सकते हो कि जब लिग्नाइट से बिटुमिनस के फॉर्मेशन के बीच में, तो ऑब्वियसली बात है सब बिटुमिनस की जो हीट कंटेंट होगा वो आपका लिग्नाइट से ज्यादा होगा पर बिटुमिनस से कम होगा। हम एंथ्रासाइट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एंथ्रासाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। इसको हाईएस्ट ग्रेड कोल बोला जाता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत डार्क ब्लैक होता है कवर में, कलर में। इसका जो वेट होता है काफी हल्का होता है दूसरे कोल के कंपैरिजन में। पानी इसमें बहुत कम होता है, सल्फर इसमें बहुत कम होता है, फास्फोरस इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। और इसका हीट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। देखिए बिटुमिनस कोल इंडिया में बहुत मिलता है फ्रेंड्स, और इंडिया के बिटुमिनस कोल की एक प्रॉब्लम है कि उसमें सल्फर फास्फोरस बहुत ज्यादा है। कार्बन कंटेंट भी उसका ज्यादा है बट सल्फर फास्फोरस बहुत ज्यादा है। एंथ्रासाइट कोल हमारे यहां ज्यादा मिलता नहीं है फ्रेंड्स, और एंथ्रासाइट जो कोल होता है उसमें उसमें सल्फर फास्फोरस बहुत कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत कम होता है, इसलिए उसका हीट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और एंथ्रासाइट कब बनता है, जब बिटुमिनस कोल को और आप कुछ मिलियन ईयर्स के लिए प्रेशर और हीट में डाल देंगे। पर बहरहाल हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको और समय के लिए हीट और प्रेशर के बीच में डालें। तो आप देख सकते हैं यहां पीट दिख रहा है, और टाइम बीता, प्रेशर पड़ा, हीट पड़ी, तो आपका लिग्नाइट बदल गया, आगे बिटुमिनस बनेगा, सब बिटुमिनस बनेगा, फाइनली क्या बन जाएगा, एंथ्रासाइट बन जाएगा। फाइनली हम बात करेंगे फ्रेंड्स मेटलर्जिकल कोक क्या होता है। तो मेटलर्जिकल कोक आप कह सकते हो बहुत ही कम वेस्ट, बहुत ही कम सल्फर, बहुत ही कम फॉस्फोरस, बहुत ही कम मॉइस्चर कंटेंट वाला जो कोल होता है उसको मेटलर्जिकल कोल होते हैं, और उससे हम क्या बनाते हैं, कोक बनाते हैं, हाइग्रोड कोक, कोकिंग कोल बनाते हैं। तो अब ये जो कोक होता है, इस कोक को बनाने का अपना एक अलग तरीके का प्रोसीजर होता है, वो एक डिफरेंट वीडियो का टॉपिक है, पर वो मेटलर्जिकल कोल से बनता है। इसलिए हमारी जो स्टील फर्नेस है, जो स्टील इंडस्ट्री है इंडिया की, वो मेटलर्जिकल कोल को इंपोर्ट करती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिटुमिनस कोल है उसको बहुत लिमिटेड, एक कहते हैं ना, बहुत लिमिटेड तरीके से उसको स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मेटलर्जिकल कोल जो बहुत हाई ग्रेड का कोल होता है उसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और उसको स्टील मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, मेटलर्जिकल कोल, और मेटलर्जिकल कोल को हमको काफी हद तक बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अपने बिटुमिनस कोल को भी हम वहां पे यूज करते हैं बट एक लिमिट तक ही यूज करते हैं, चूंकि उसकी काफी लिमिट्स हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये है आपका मेटलर्जिकल कोल जो कि कोक बनाने में भी काम आता है। ये कोक काफी हद तक आपकी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड फ्रेंड्स, कोल से रिलेटेड, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।